मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला उठने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले को लेकर एक बार फिर से हवा दे दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार की मंशा पर अपने ट्वीट पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए कर दिया था, लेकिन जब प्रदेश में सरकार बीजेपी की आई तो उसने इस आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यही वजह है कि अभी भी ओबीसी वर्ग से आरक्षण से ये जो वर्ग है वो वंचित है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2019 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे लागू करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सरकार के द्वारा उचित पैरवी नहीं किए जाने से बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नहीं हो पाया।